हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद और आप देख रहे हैं मानवेंद बरकार लवा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट है सिद्धांत जायसवाल भाई की फिजिक अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिद्धांत जायसवाल भाई अभी भी कंडीशन हैं और अच्छे एफ नज़र आ रहे हैं। सिद्धांत जायसवाल भाई ने पहले से बहुत ही अच्छा मास पुट ऑन किया है। भाई के शोल्डर देखो, शोल्डर में भी एक अच्छा मास ऐड किया है और चेस्ट में भी मास ऐड किया है और बैक में तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है भाई ने। आप देख सकते हो, सिद्धांत भाई की बैक पहले वीक थी, लेकिन इस ऑफ सीजन में सिद्धांत जायसवाल भाई ने अपनी बैक पे बहुत अच्छा वर्क किया है और एक अच्छी बैक निकाली है। दोस्तों, सिद्धांत भाई सेरू क्लासिक से 14 वीक आउट हैं और एक अच्छी कंडीशन में हैं। तो दोस्तों, आप बताइए सिद्धांत भाई प्रो कार्ड जीतेंगे या नहीं। तो दोस्तों, हमारी दूसरी न्यूज है मनोज पाटिल भाई के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र में जिम बंद हो चुकी हैं और एथलीट को बहुत ही समस्या हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मनोज पाटिल अपना प्रो शो खेलने वाले थे, तो दोस्तों इस हालत में वो अपना प्रो शो कैसे खेलेंगे, कैसे अपनी प्रेप करेंगे। दोस्तों, हम तो बस यही चाहते हैं कि मनोज पाटिल भाई जल्दी से जल्दी अपना प्रो शो खेलें और ओलंपिया में पहुंचें। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है हसन मुस्तफा को लेकर। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी बैक में एक अच्छी ब्रेड नज़र आ रही है और एक अच्छे फाइबर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, हसन मुस्तफा न्यूयॉर्क प्रो से 4 वीक आउट हैं और एक अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। पहले वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस टाइम वो अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये न्यूयॉर्क प्रो में क्या करते हैं। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है पैट्रिक मोर के बारे में। दोस्तों, इन्होंने MPC शोडाउन में गेस्ट पोजिंग की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पैट्रिक मोर ने अपनी फिजिक में मास ऐड किया है, लेग में अच्छा मास ऐड किया है और बैक में भी कुछ मास ऐड किया है। दोस्तों, उन्होंने पिछले साल कोई शो नहीं खेला और एक साल का पूरा ऑक्सीजन लिया और उसमें उन्होंने एक अच्छा मास पुट ऑन किया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि एक साल और ऑक्सीजन लें और एक अच्छा मास पुट ऑन करके ओलंपिया स्टेज पर आएं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है पैट्रिक मोर की फिजिक के बारे में, और इन्हें एक साल का ऑक्सीजन लेना चाहिए या ये अभी कोई शो खेलें। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है हंटर लवराड़ा की फिजिक के बारे में। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है हंटर लवराड़ा के बारे में। दोस्तों, हंटर ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं, हंटर ने अपनी बैक में तो थोड़ा इम्प्रूव किया है, लेकिन चेस्ट में इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है आंड्रे फर्ग्यूसन के बारे में। दोस्तों, आंड्रे ने अपना शो क्लियर कर दिया है, वो टेम्पा प्रो में खेलेंगे। टेम्पा प्रो अभी 16 वीक आउट है, तो आप आंड्रे की 16 वीक आउट फिजिक देख सकते हैं। बैक में एक अच्छी थिकनेस है और एक अच्छा मास ऐड किया है। दोस्तों, आंड्रे 16 वीक आउट ही बहुत ही लीन दिख रहे हैं, क्लियर एफ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आंड्रे टेम्पा प्रो जीत पाएंगे या नहीं? दोस्तों, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है हाड़ी सुपन के बारे में। दोस्तों, हाड़ी सुपन ने अपने इंस्टाग्राम पर छोटी सी फिजिक अपडेट शेयर की है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाड़ी सुपन के शोल्डर बहुत ही राउंड नज़र आ रहे हैं और ट्रैप में अलग ही फाइबर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।